साथियों, एक सोच वो है जो अपने परिवार के भविष्य के लिए विरासत छोड़ती है, धन छोड़ती है, संसाधन छोड़ती है। हमारे संस्कार वैसे नहीं है। हमारे लिए सत्ता से भी ऊपर हमारा देश है, हमारा हिंदुस्तान है, हमारे 130 करोड़ नागरिक हैं। हम देश के बेहतर वर्तमान और शानदार भविष्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की विरासत तैयार करना चाहते हैं। हमारा प्रयास है कि देश के लोगों का जीवन आसान हो, व्यापार कारोबार करना सरल हो, कोई भी क्षेत्र हो या व्यक्ति, सबका संतुलित विकास हो, बेहतर रोजगार का निर्माण हो। यही एक रास्ता है नए भारत की युवा ऊर्जा और युवा आकांक्षाओं को पूरा करने का। आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार इसी दिशा में एक ईमानदार कोशिश कर रही है। भाइयों और बहनों, न्यू इंडिया का नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में हम निरंतर जुटे हुए हैं। इसमें भी देश का पूर्वी हिस्सा, हमारा नॉर्थ ईस्ट, अगुवाई करने वाला है। नॉर्थ ईस्ट के कोने कोने में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का एक गंभीर प्रयास बीते 4.5 वर्षों से चल रहा है। 10 दिन पहले ही मैं बोगीबिल में था, वहां भारत के सबसे लंबे रेल रोड ब्रिज का लोकार्पण किया गया। आप सभी ने भी देखा होगा उस एक प्रोजेक्ट की चर्चा किस प्रकार देश और दुनिया में हुई है। बोगीबिल हो या फिर भूपेन हजारिका सेतु, देश के ये दोनों बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यही हमारी आसाम की धरती पे है।